Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Put on your audio and video. Good morning. अभी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे. कल हमारा दो क्वेश्चन बच गया था. वो क्वेश्चन हुआ हमारा मेन क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस करके नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे. ओके. एक्सरसाइज 10.2. हेलो हेलो. अच्छा जो है रहने दो. हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हमने किया था. अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने डे बिफोर यस्टरडे वी हैव डन. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 करेंगे. बोर्ड दिख रहा है बच्चे? बताइए बोर्ड सभी को दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? देखिए पहले बोर्ड दिख रहा है सभी को? देख लीजिए. देखिए अभी क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल. मैम नहीं दिख रहा है. रोम्बस सपोज ए बी सी डी. ए बी सी डी क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा देखते हैं. नेट का मैम पूरा ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन. देखो आ रहा है? आ रहा है. देखो अब देखो. यस मैम. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल. ठीक है. यू हैव टू शो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस. गिवन में हमारा दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस. Now tell me what is rhombus. Rhombus क्या है? Rhombus proof करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा बताओ? Rhombus proof करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? All sides equal. ABCD is a diagonal bisect. All sides diagonal bisect each other and all sides are equal. तो पहले लोग राम है तो diagonal bisect each other दो तो होगा ही. ठीक है. तो rhombus का definition है a parallelogram whose adjacent sides are equal is called a rhombus. Parallelogram है वो तो उसका diagonal of parallelogram bisect each other. ये तो होगा ही. अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग क्या किए? O से ये है OP, ये हो गया OQ, OR and OS. ये हो गया. ठीक है. अब नाउ सिंस ये देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड एपी क्या है? टेंजेंट है. तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
We know that length of tangent drawn from the external points are equal. So AP is equal to AS हो जाएगा. Similarly, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, and DR is equal to DS. ठीक है? यहाँ इसी बात को लिखिए प्रूफ में. We know length of tangent drawn from the external point of a circle are equal. ठीक है? Therefore, AP is equal to AS. This is the equation number one. Similarly, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, and DR is equal to DS. This is equation number 2, 3, and 4. DR is equal to DS. Okay, ये हो गया. अब now we add equation number 1, 2, 3, and 4. Adding the corresponding sides of 1, 2, 3, 4. Adding the corresponding sides of 1, 2, 3, and 4. ये हो गया हमारा AP plus BP plus CR plus DR is equal to, देखिए, is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. Now AP plus BP and CR plus CR. AP plus BP को एक साथ रखते हैं हम लोग. AP plus BP is equal to AB. यहाँ हम लोगों ने arrange कर दिया AP plus PB, BP plus CR plus DR. उसी तरह से इधर भी हम लोग arrange करते हैं BQ plus CQ प्लस एस प्लस डी एस. एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू ए बी एंड सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी डी. ऑल्सो बी सी बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी एंड दिस वन इज एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी. अब नाउ वी नो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. सिंस ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम. ABCD क्या है? मैम वीडियो नहीं आ रहा. ABCD is a parallelogram. Given हमारा है. बेटा नेट का प्रॉब्लम है. देखिए. आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? Yes मैम. देखिए यहाँ पर. Yes मैम. अब यहाँ देखिए. ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram है and we know that opposite sides of parallelogram are equal. AB is equal to क्या हो जाएगा? DC. And AD is equal to BC. तो यहाँ पे हम लोग CD की जगह पे पुट कर देते हैं, इम्प्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे. Therefore, AB plus CD is equal to क्या है? AB. इसकी जगह पे पुट किया हमने BC. BC plus क्या प्रूफ करना है? AB is equal to AD. तो AD is BC की जगह पे हमने क्या लिखेंगे? BC. BC is equal to AD. तो यहाँ AD plus AD. तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी. यानी कि इसका एडजेसेंट साइड हमारा क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए डी. ये एडजेसेंट साइड का और ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसको नोट कर लेते हैं फ्रॉम वन. ये हो गया ऑल्सो. यहाँ से एयरफोर
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ओके, समझ में आया? देखिए बेटा, देखिए बोर्ड देखिए ठीक से. पता है एक नेट प्रॉब्लम चल रहा है. मैम वीडियो नहीं आ रहा है. अब क्या करें बेटा? देखो नेट का प्रॉब्लम है. देखिए मैम आ रहे हैं. आ रहा है. हाँ देखिए इसको नोट कर लीजिए. सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इस फिगर में, देखिए गिवन में है एबीसीडी क्या है हमारा पैरेललोग्राम है. मैम नहीं आ रहा है. अब हम क्या करें? जितना हम बोल रहे हैं तो इसको समझो. फिगर समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रही हूँ उसको ये करो. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस. तो ये पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम लोग ओ सी ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस ज्वाइन कर दिया हमने. यहाँ से भी नो डैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस. Similarly, B is an external point, therefore BP is equal to BQ, and C is an external point, CR is equal to CQ, and D is also an external point, VR is equal to DS. Now, adding equation 1, 2, 3 and 4, ये चारों को हमने corresponding side से add कर दिया, so AP plus BP plus CR plus BR is equal to AS plus BQ plus CQ भी हो गया, और AP plus BP को एक साथ रखा, और CR plus BR को एक साथ रखा. Similarly, BQ plus CQ को right side में एक साथ रखा और AS plus BS को right side में एक साथ रखा. तो AP plus BP मिलके हो गया AB and CR plus DR मिलके हो जाएगा CD. तो also BQ plus CQ is equal to BC and AS plus BS is equal to AD. तो AB plus CD is equal to BC plus AD. ये हो गया. Also since AB CD is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. नाउ हम लोग CD की जगह पे पुट कर देते हैं AB और BC की जगह पे AD पुट कर दिया. तो AB plus AB इज इक्वल टू twice AB एंड AD plus AD इज इक्वल टू twice AD. Therefore AB इज इक्वल टू AD. Adjacent sides are equal. Also we know that opposite sides of parallelogram are equal. तो फ्रॉम वन एंड टू ये सब से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी. सी डी इज अ रोम्बस. ओके, अब यहाँ देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन हो गया सभी का? ये क्वेश्चन हो गया सभी का? बताइए. यस मैम. क्वेश्चन हो गया? यस मैम. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सारे बच्चों का वीडियो ऑन है? सारे कुछ कुछ बच्चे वीडियो अपना ऑफ किए हुए हैं. वीडियो ऑन करो सभी, पता कैसे चलेगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A triangle ABC is drawn to subscribe a circle. A triangle ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ड्रॉन किया गया है to subscribe a circle. इसके अंदर एक क्या है? एक सर्कल है. Is drawn to subscribe a circle. ठीक है. Given है ABC is a triangle. ठीक है, ABC is a triangle and it is subscribed by a circle. एक circle है of radius 4 centimeter. Circle of radius 4 centimeter. यहां से ये हो जाएगा हमारा OD. OD हमारा है 4 centimeter. ये हो गया हमारा सेंटर से, ये हो गया OD. ये this is 4 centimeter.
ऑल्सो यहाँ से भी ये कर देते हैं, ओ ई हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा यहाँ से ओ एफ, ये भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ये सब क्या है, हम लोगों ने ओ डी ओ ई और ओ एफ, दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल. ठीक है, अब यहाँ देखिए कहता है कि सच दैट सेगमेंट बी डी एंड बी सी इंटू which BC is divided by the point of contact, DEF are the point of contact. तो ये BD हमारा दिया हुआ है, BD is divided to the point of contact, R length है, BD is equal to 8 centimeter, BD is equal to 8 centimeter and DC is equal to 6 centimeter, BD is equal to 8 centimeter and DC is equal to 6 centimeter. Okay? So you have to find the sides AB and AC. क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द, ये एक साइड हमारा दिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग टू फाइंड क्या करना है, गिवन में हमारा दिया हुआ है एबीसी इज अ ट्रायंगल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल इन विच रेडियस क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ओ डी ये रेडियस है और ये है डी ई एफ. अब यहाँ से देखिए ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये क्या है रेडियाई है, दीज आर द रेडियाई. ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. टू फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी निकालना है. ठीक है, अब यहां तक ये फिगर दिख रहा है सभी को, ये हमने जो ड्रॉ किया है फिगर ये दिख रहा है सभी को, देखिए. यस मैम. अब यहाँ देखिए, लुक हियर, बी क्या है, B is an external point and BD and BF are tangent, length of tangent. We know that length of tangent drawn from the external point of a circle are क्या होता है, equal होता है. So BD is equal to क्या हो जाएगा, BF, ये भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हो. Also C is an external point and DC and DAC are tangent. Therefore DC is equal to C, ये हो जाएगा length of tangent drawn from the external point of a circle are equal. Also A is an external point, therefore AF is equal to AE. ये हमें पता नहीं है, तो मान लेट AF is equal to AE is equal to हमने X मान लिया. ठीक है, इसी बात को लिखो, प्रूफ में लिखिए इसको. We know length of tangent drawn from the external point of circle are equal. Length of tangents drawn from the external point of a circle are equal. Therefore, BD is equal to BF. BD is equal to BF is equal to 8 centimeter. DC is equal to C. DC is equal to C. Same reason से 6 centimeter. और यहाँ हमारा लेट AE is equal to AF. AE और AF को हमने मान लिया है X. X. ठीक है, ये हमने मान लिया X. ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग यूज करेंगे, देखो हीरोज फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. हमने उन्होंने 9th में पढ़ा था हीरोज फॉर्मूला. S बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, AB plus BC plus AC by 2, पता में है? S is equal to, यहाँ देखिए, AB बराबर क्या हो जाएगा, देखो AB साइड AB तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइड AB is equal to, AB को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, X plus 8, X plus 8 सेंटीमीटर. साइड BC, BC हमारा क्या हो जाएगा बताइए, BD plus DC, 8 plus 6 is equal to 14 centimeter. Also AC, AC हमारा क्या है, X plus C,
x plus 6 सेंटीमीटर, ठीक है, x plus 6 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ बोर्ड दिख रहा है, देखो. अब नाउ सेमी पेरीमीटर s बराबर क्या होता है, s इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई टू. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई टू. अब हमारा देखिए ए बी हमारा कितना है, x प्लस 8 प्लस बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर प्लस ए सी इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई 2 सेंटीमीटर. यहां से हो जाएगा x प्लस 8 2x एंड 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 2x प्लस 28 बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 14 बाई 2. यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. Therefore, s हमारा आ गया x plus 14 सेंटीमीटर. यहाँ से देखिए हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया. अब नाउ फ्रॉम हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए. हीरोज फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए. हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए. एरिया s इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. यही होता ना है, where a b c are sides of a triangle. देखिए बच्चे हम लोग इधर अब ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं. देखिए इस तरफ लिख रहे हैं, दिख रहा है सभी को. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग इस तरफ देख रहे हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए. यानी कि ये साइड तुम्हारा कुछ भी मान लो, ये पूरा साइड तुम्हारा ए है और ये पूरा साइड को हम लोग मान लेते हैं बी है और ये पूरा साइड तुम्हारा क्या है, सी है, ठीक है. एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है. तो ये एस बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस 14, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 14. एस माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस ए, फर्स्ट साइड हमारा कितना हो गया, एट प्लस 6 14 माइनस 14, ठीक है. अब यहाँ देखिए इधर वाला मिटा रहे हैं, जीरेन का माइनस एस माइनस बी एक्स प्लस 14 माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 6, तो माइनस एक्स माइनस 6 ये हो जाएगा, इनटू एस माइनस सी एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, यानी कि माइनस एक्स माइनस 8. यहां से सॉल्व कीजिए, x प्लस 14, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया इंटू x, और यहाँ देखिए 14 x से x ये कैंसिल हो गया, 14 इंटू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 हो गया यहाँ पे इंटू 8, और यहाँ देखिए x प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 8 माइनस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. तो ये हमारा हो गया 8 6 प्लस 14, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डॉट है, यहाँ तक किसी को कोई डॉट है बेटा, बताओ जल्दी. ये हमने हीरोज फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला. अब ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फिगर को देखिए, इस फिगर को हम लोग लिख सकते हैं. यहां से हम लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, ठीक है. ऑल्सो यहां देखिए, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस
area of triangle BOC plus area of triangle AOC, AOB, AOP. यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ AOC क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना है x प्लस सिक्स AC इंटू OE, यानी कि हाफ इंटू x प्लस सिक्स इंटू OE हमारा कितना है 4, ठीक है, बेस इंटू अल्टीट्यूड. ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू BC, BC इज 8 प्लस 6 14 इंटू OD, OD इज 4 प्लस हाफ इंटू यहाँ देखिए हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB x प्लस 8 इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4. यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर दिया और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6 14 इंटू 2 28, यानी कि ट्वाइस x प्लस 6 प्लस 28 प्लस ट्वाइस x प्लस 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 6 टू जरा 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x 4x, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x हो गया, एंड प्लस 28 प्लस 12 30 प्लस 2 40 और 56 प्लस 56. अब यहाँ देखो 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया था 48 इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ आया RHS, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया x प्लस 14 4 इंटू एक्स प्लस 14. अब यहाँ देखो इसको लोग इक्वेट करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14. अब यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 4 का 16, 16 इंटू एक्स प्लस 4 का 14 होल स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया और 16 6 16 48 3x, ठीक है. इसको सॉल्व करो, इसको देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखिए यहाँ तक इसको पहले नोट कर लीजिए. यहाँ हो जाएगा 16 3 जा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14. अब इसको 3x माइनस x इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 बाय 2 7, x का वैल्यू हमारा आ गया 7, देयरफॉर AB साइड AB निकालना था, AB कितना हो जाएगा देखिए साइड AB कितना हो जाएगा, therefore AB is equal to side AB, side AB is equal to क्या था, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा x plus 8 सेंटीमीटर, यानी कि x की जगह पे 7 पुट कर दो, 7 plus 8 is equal to 15 सेंटीमीटर, and side AC कितना हो जाएगा x plus 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 7 plus 6 13 सेंटीमीटर. तो साइड्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. बच्चे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर प्रॉब्लम भी आ रहा था बनाने के लिए. ये इससे रिलेटेड बुक में तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, देखना अदर बुक में राइट वाल में 2-3 प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, इसको देख के करना है. इससे ये देखिए
देखिए बच्चे, ये समझ में आया ये क्वेश्चन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि एबीसीडी ट्रायंगल है विच इज सब्सक्राइब है सर्कल, जिसमें कि ये देखो एक ओडी तुम्हारा डी एफ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने लिया थ्रू ओ, विड्रॉ ओडी, ओडी हमारा रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, ज्वाइन ओई ये 4 सेंटीमीटर एंड ये भी तुम्हारा हो गया। अब ये देखो डी एफ आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो ए इज एडी बी डी इज इक्वल टू बी एफ, सिमिलरली डी सी इज इक्वल टू सी हो गया और ए बराबर ए, ये हमारा ये दोनों साइड नहीं पता है इसको हमने एक ही मान लिया। अब हम लोग हीरोज़ फॉर्मूला यूज करेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ये सेमी पेरीमीटर होता है, इससे हमने निकाल लिया। यहाँ देखिए इस तरफ देखिए, इससे हमने ये निकाल लिया, एक का वैल्यू हमने निकाला था एक्स प्लस 14, यहाँ से हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14। Also from the given figure, ये पूरे ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOC plus AOB plus BOC इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो BOC बराबर क्या होता है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू OD, ये निकल गया हमारा BOC का एरिया निकल गया। सिमिलरली AOC का एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू AC इंटू OE एंड ए ओ बी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ, ये निकल गया हमारा। अब दोनों ये एक दोनों तरह से हमने एक हीरोज़ फॉर्मूला से निकाला और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाला, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एक इसका वैल्यू निकल गया। देख लीजिए टाइम है अभी 6 मिनट और है, एक एक प्रॉब्लम और हम लोग कर सकते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है इसको हम लोग कर लेते हैं आज, और कल से हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये चैप्टर बच गया है इसको हम लोग करेंगे। बी के बच्चे भी इसमें ज्वाइन है ना, स्टैंडर्ड 10 बी के बच्चे भी इसमें ज्वाइन है, बताइए बेटा बी के बच्चे ज्वाइन है इसमें? यस मैम। बोल नहीं रहे हो? हाँ तुम लोग का सबने बताया था कि ये चैप्टर कुछ कुछ हो गया है, सर्कल सबने करवा लिया था क्या? सर्कल तुम्हारे जो प्रीवियस टीचर थे वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ तो वो सर ने कहा कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से स्टार्ट होगा, तो हमारे सेक्शन में ये चैप्टर नहीं हुआ था, हमने आज इसको कंप्लीट कर दिया है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ मतलब उसको, और तुम लोग का इसी से रिविजन हो जाएगा और कॉपी भी कम्प्लीट कर लो, ये मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, जो कि जिसके अंदर एक सर्कल है उसका दोनों का अपोजिट एंगल जो होता है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वो दोनों सप्लीमेंट्री होता है, ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग एक इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर थर्टीन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ए बी सी डी इसके अंदर क्या है, एक सर्कल सब्सक्राइबिंग या सर्कल, ठीक है ये सर्कल हमने बना लिया। अब ये सर्कल का सिलेक्ट पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है आर एंड एस, ठीक है ये सर्कल का है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, सेंटर तुम्हारा ओ है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओ पी ज्वाइन किया, ओ क्यू ज्वाइन किया, ओ आर ज्वाइन किया एंड ओ एस ज्वाइन किया। ऑल्सो हम लोगों को ज्वाइन करना है हम लोग ए ओ बी, यहाँ हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन, ए ओ बी इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, ए ओ बी ओ ओ सी एंड ओ डी ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ देखो ये प्लेट एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ए ओ पी को हमने वन माना है और इसको हमने मान लिया
here 2, angle 2. This is angle 3. This is angle 4. This is angle 5. This is angle 6. This one is angle 7. And this one is angle 8. ये एंगल हो गया, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है. कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, जल्दी बताओ. 360 डिग्री. वेरी गुड, ठीक है. तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल. सर्कल टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है हमारा एंगल एओबी, ये अपोजिट एंगल क्या होगा, इसका सम कितना होना चाहिए, एओबी प्लस सीओडी. एंगल एओबी प्लस सीओडी, एंगल सीओडी, ये दोनों सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का. सिमिलरली इसमें ये भी प्रूफ करना है, उसी तरह से बीओसी एओडी प्लस बीओसी, ये इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. यही प्रूफ करना था. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो यहाँ सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो और नजदीक ला देते हैं. यहां से हमने कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइन ओए, क्या किया है, सबको ज्वाइन कर दिया, ओए ओबी ओसी ओडी ओपी ओ क्यू